देखेंगे तो ऐसा लग जाता है कि नमाज फर्ज है तो बोलते हैं ओढ़नी इनको ढालना फर्ज है, ऐसे कूलर पाक क्यों? नमाज फर्ज है इनको और डालना फर्ज नहीं है। उनको और डालोगे तुम्हारे लिए लड़ेंगे, जो तुम्हारे मसाइल को उठाएंगे, तुम्हारे बच्चों के स्कूल का मुतालबा करेंगे, जो तुम्हारी तरक्की की बात करेंगे, ये लोग रिपोर्ट लेते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। अब जब मजलिस आकर इलेक्शन लड़ रही है तो हम पर इल्जाम की बोछार लगा दी जाती है, हम पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाते, मगर हमको उसकी फिक्र नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि मुत्तहिद रहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा उत्तर प्रदेश में पहला काम और मिशन यह है कि बीजेपी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में ना बने और बाबा मुख्यमंत्री ना बने, बल्कि बाबा फिर बैठाकर मत में बैठ जाए। ये हमारी पहली कोशिश है। और दूसरी हमारी कोशिश ये है कि जहां मजलिस का उम्मीदवार होगा वहां पर उसको कामयाब करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आपका साथ, आपके दुआओं की जरूरत है। अगर आपका साथ होगा, आपकी दुआएं रहेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी होगी। हम चाहते हैं कि बाबा दोबारा मुख्यमंत्री ना बने और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी दो दिन पहले बीजेपी ने किसानों के कानून को वापस ले लिया किसानों के कानून को, और फिर देश के सामने आकर देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी थी। हो सुना था ना आपने, क्या कहा देश के प्रधानमंत्री, हमारी तपस्या में कोई कमी थी होगी। हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं। गनीमत है फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं गए, वरना पूरे बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत जाते। पॉलिटिक्स में आ गए बेचारे, उस एक्टर बच गए। तपस्या में कमी थी, 750 किसान मर गए, अपनी जान दे दिए। तपस्या तो वो कर रहे थे एक साल से जो अपना मैदान नहीं छोड़े, अपनी जमीन को नहीं छोड़े, एहतजाज कर रहे थे। मोदी जी, आपको हमेशा अपने आप को हीरो बनाने का बड़ा शौक है, हर चीज अपने पे ले लेते हैं। मैंने तपस्या में कमी थी, कौन सी तपस्या आपकी? आप तो 300 एमपी के ऊपर गलत काला कानून बना दिए, जब किसानों ने कबूल नहीं किया, आपने उन किसानों पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया, खालिस्तानी है, ISI की है, पैसा आता है, बकवास, सब नाम शराब। और उसके बाद देख लिया कि मेरी इमेज में कमी आ रही है, मेरे खिलाफ ये मोदी ने महसूस कर लिया कि मुझे किसानों का दुश्मन करार दे रहे, तो मोदी ने 24 की तैयारी के लिए कानून को वापस ले लिया। 2024 के चुनाव के लिए आज मोदी ने इस कानून को वापस ले लिया, और ये इनकी तैयारी है। और बोल रहे कि मेरी तपस्या में कमी, क्या तपस्या किया, 700 किसान मर गए, और फिर कोई इनका बीजेपी का कोई मंत्री कहता है कि कानून है, जुड़ते हैं, बनते हैं, फिर बनाएंगे किसानों के साथ, हम पूरे रोड पर निकल कर आकर ठहरेंगे इंशाअल्लाह।